हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी सा केक, वो भी बिना मैदे का, बिना ओवन का। तो यहाँ पर हम बनाएंगे सूजी का केक। तो यहाँ पर कोई भी सूजी लेंगे, मोटी या बारीक वाली, और उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे ताकि वो बारीक हो जाए अच्छे से, और साइड में रख देंगे। और दूसरे बाउल में 1 कप शुगर, दही और ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को, ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें दूध ऐड कर देंगे। जितनी क्वांटिटी मैंने यूज़ की है यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल एसेंस यूज़ किया है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एसेंस यूज़ कर सकते हो। तो कुछ ड्रॉप एसेंस के ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे, और सूजी जो हमने ग्राइंड करती है उसे अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे बैचेस में, और मिक्स करते जाएंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस सूजी को 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए, ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है, ये ऑप्शनल है। आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप कॉर्नस्टार्च भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए, रेस्ट करने रख देंगे, और रेस्ट के बाद ये थोड़ी सी फूल कर टाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देंगे कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए, बट उससे पहले बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, दूध ऐड कर देंगे और सारी चीज़ों को हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। ओवन या फिर कुकर में अगर बना रहे हो तो वो प्री हीट होने के लिए रख दें। तो ये देखिए, हमारे केक बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अब इसमें टूटी फ्रूटी, ड्राई फ्रूट्स, आपको जो भी फ्रूट्स इसमें यूज करने हो यूज कर सकते हो। अब इस केक के मिक्सचर को ग्रीस किए हुए मोल्ड में डाल देंगे और बेक होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर 25 से 30 मिनट लग जाते हैं बेक होने के लिए। तो ये जो है हमारा केक एगलेस है, बिना ओवन के, बिना मैदे का। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी है रेसिपी और बहुत ही बढ़िया केक बनकर रेडी होता है। तो मैं यहाँ पर इसे बेक कर रही हूँ कुकर में। तो ये देखिए, 25 से 30 मिनट में मेरा केक जो है परफेक्टली बेक हो चुका है। अब मैं इसे निकाल देती हूँ और ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। आप देख सकते हो, ये जो केक है बहुत ही परफेक्टली बेक हो चुका है, कलर बढ़िया आ चुका है। तो अब इसे हम डीमोल्ड कर देते हैं। ये देखिए, बिल्कुल भी जला नहीं है, कुकर में मैंने बेक किया है। तो इस तरह से आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं कट कर कर भी दिखाती हूँ, आप इसे चाय के साथ या ऐसे ही एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर यूज किया है, आप वेनिला, चॉकलेट या कॉफी, कोई भी फ्लेवर यूज कर सकते हो। तो इस तरह से बनाइए और बेकरी वाले केक का मजा घर में ले, बिना ओवन, बिना मैदे के हेल्दी वाला केक। और यहाँ पर मैंने एगलेस बनाया है ताकि जो भी एग नहीं यूज कर सकते हैं वो भी इस केक का मजा ले सके। तो आई होप मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपीज के साथ। तो तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।